बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तलबा तलबात अस्सलाम अलैकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज खानेवाल जमात हशतम मसमूम सिरे खामा हफ्ता नुमा एफ सेक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि आप अपने घर बैठकर अपनी तालीम को जारी रख सकें और हमारी इस काविश से भरपूर इस्तेफादा हासिल कर सकें। बच्चों, आज दूसरा दिन है और मैं हूँ आपकी मालिमा सफिया सुल्ताना। आज का हमारा उनवान है चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए, जिसके मुसन्निफ हैं इम्तियाज अली ताज। यह आपकी सिरे खामा के सफा 43-48 पर दिया गया सबक है। इंशाल्लाह तलबा आज आप इस काबिल होंगे कि अल्फाज महावरत के मायने और उसको जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। सवाल नंबर 3 दर्ज झेल है। मंदरजा झेल अल्फाज और महावरात के मायने लिखिए और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जिस तलबा और तलबात, मैं आपको बताते चलूँ कि मैं आपको इन अल्फाज के मायने बताऊंगी और उसके साथ साथ एक जुमला बताऊंगी। आपने अपने ज़ाती काबिज से उस जुमले से हटकर कोई दूसरा जुमला बनाना है। आपने अपनी किताब का मतलब बार बार करना है, गौर से करना है। आपको आपके सामने इन महावरात के मायने आया हो जाएंगे और आप जुमले बनाने में आपको आसानी होगी। पहला मुहावरा है बीसियों मरतबा। ये लफ्ज़ हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कई दफ़ा इस्तेमाल हुआ है। बीसियों मरतबा यानी बार बार या कई बार। चची ने बीसियों मरतबा चचा को काम करने से रोका मगर वो बाज ना आए। या ये जुमला बना सकते हैं, मैंने इसको कई बार काम करने से रोका है मगर ये बाज ही नहीं आता। बीसियों मरतबा यानी कई बार। हलकान होना, थक जाना, किसी काम के पीछे अपने आप को थका देना। हलकान होना, चचा छक्कन छोटे छोटे काम के पीछे हलकान हुए रहते थे। खिंच जाना, नाराज होना, खिंच जाना, नाराज होना, इशा तो छोटे छोटे बात पर खिंच जाती है। दखल दर माकूलात, किसी के मामले में दखल देना। दखल दर माकूलात, किसी के मामले में दखल देना। दखल दर माकूलात की आदत अच्छी नहीं है। गुल मचाना, गुल मचाना, शोर मचाना। 8th क्लास में तो क्लास में गुल मचा रखा है। सवांग भरना, भेद बदलना, भेष बदलना, नितरे तरीके इख्तियार करना। चौकी ने स्वांग भरकर लोगों को लूट लिया। स्वांग भरना, भेष बदलना, छक छक, बक बक। चची चचा की रोज रोज की छक छक से तंग आ चुकी थी। तर्दीद करना, किसी बात से इनकार करना या रद्द कर देना। जज ने झूठी गवाही की तर्दीद कर दी, यानी उसने उसको मानने से इनकार कर दिया। मुंह फट, जुबान दराज, बे सोचे समझे, बगैर सोचे समझे बोलने वाला। मुंह फट बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। क्यामत गुजरना, परेशानी आ जाना, तूफान मिच जाना, क्यामत गुजरना यानी बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना। जवान बच्चे की मौत पर वालदैन पर क्यामत गुजर गई। बच्चों, मैं दोबारा बताते चलूँ कि आपने इन अल्फाज के मायने जहन में रख कर अपनी तरफ से अपनी ज़ाती काविश से जुमले बनाने हैं। जो जुमले मैंने बनाए हैं उससे हटकर आप जुमले बनाएंगे और मुझे उम्मीद है कि आप अपने ज़ाती काविश से अच्छे जुमले बना सकेंगे। सवाल नंबर 5, मंदरजा झेल जुमलों को है और है की मदद से मुकम्मल कीजिए। है वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है और है जमा के लिए इस्तेमाल होता है। आपने इस बात को जहन में रखना है।
और जब हम किसी अपने से बड़े को मुखातिब करते हैं, अदब की जगह पर भी हम हैं का जमा इस्तेमाल करते हैं, अगरचे वो सिंगल होते हैं, वाहिद होते हैं, लेकिन एहतरामन हम उनके लिए हैं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। चचा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते हैं आएगा, चचा के लिए है लफ्ज नहीं आएगा, वो बड़े हैं उनके लिए हमने है लगाना है। दूसरा जुमला, चचा बोले क्या बात है। अब बात जो है ये वाहिद है, इसके लिए है आएगा, चचा बोले क्या बात है। तीसरा जुमला, बच्चे कपड़े ढूंढ रहे हैं, बच्चे बच्चे जमा है, जमा के लिए है आएगा, बच्चे कपड़े ढूंढ रहे हैं। चौथा जुमला, आज चचा ने कसम खा ली है, कसम कसम खा ली है नहीं लगाएंगे, कसम खा ली है। बच्चे शौक से कहानियां सुनते हैं, बच्चे भी जमा है, कहानियां भी जमा है, और यहाँ पर है आएगा। कसूर करने वाले को कसूरवार कहते हैं, कहते जमा का लफ्ज है, जमा है, और कसूर करने वाले, कसूर करने वाला नहीं है, कसूर करने वाले बहुत सारे हैं, तो आप लिखेंगे कसूर करने वाले को कसूरवार कहते हैं। आखिरी जुमला, उसके पास 3 जोड़े जराबे और 1 रुमाल। यहाँ पर आकर बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये देखकर 3 जोड़े जराबे हैं और 1 रुमाल, है आएगा है नहीं आएगा, क्योंकि हमने आखिरी लफ्ज को देखना होता है, वो वाहिद है, तो हम यहाँ पर वाहिद लगाएंगे। उसके पास 3 जोड़े जराबे और 1 रुमाल है। बच्चों, आज का हमारा सबक मुकम्मल हो गया है। आइए मैं आपको एक दफा दोहराई करवा दूं। सवाल नंबर 3, दर्जेल अल्फाज व मुहावरात के मायने लिखने हैं, उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है। बीसियों मरतबा, कई बार, मेरे कई बार, मेरे बीसियों मरतबा समझाने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी, मेरे बीसियों मरतबा समझाने पर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। हलकान होना, एक काम के पीछे अपने आप को इतना थका देना कि अगला काम करने की हिम्मत ना रहे। हलकान होना यानी थकावट, नीम जान होना। चचा छक्कन, मामूली से काम के पीछे हलकान हो जाते थे। खिंच जाना, छोटे 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 बच्चे छोटी छोटी बात पर खिंच जाते हैं, या बच्चे छोटी छोटी बात पर खिंच जाते हैं। दखल दर मामूलात, किसी के मामलात में किसी दखल दर माकूलात की आदत अच्छी नहीं है। गुल मचाना, बच्चों ने घर में गुल मचा रखा है। सवांग भरना, भेस बदलना, चोर ने सवांग भरकर घर वालों को लूट लिया। झक झक, बक बक, चची चचा की रोज रोज की झक झक से तंग आ चुकी थी। तरतीब करना, जज ने झूठी दुहाई की तरतीब कर दी। मुंह फट, बच्चों को कोई पसंद नहीं करता। क्यामत गुजरना, नौजवान लड़के की अचानक मौत पर घर भर पर क्यामत गुजर गई। सवाल नंबर 5, दर्ज जुमलों को है और है की मदद से मुकम्मल करें। पहला है, चचा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते हैं। चचा बोले क्या बात है, बच्चे कपड़े ढूंढ रहे हैं। चौथा जुमला, आज चचा ने कसम खा ली है। बच्चे शौक से कहानियां सुनते हैं, कसूर करने वाले को कसूरवार कहते हैं। सातवां और आखिरी जुमला, उसके पास 3 जोड़े जुराबे और 1 रुमाल है। उसके पास 3 जोड़े जुराबे और 1 रुमाल है। बच्चों, आज का हमारा मुकम्मल हुआ। आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप इस सबक को बार बार सुने, गौर से सुने,
इंशाल्लाह आप जुमले बनाने में और उस खाली जगह को आसानी पुर कर सकेंगे, आपको आसानी होगी। बार बार सुने, बहुत पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका हमदे नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।